गार्डन भलेसा और दूसरी टीम लाइन्स क्लब भलेसा। दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन क्या फाइनल में किसी एक ने अच्छा करके जीतना ही होगा। ये लाइन्स क्लब चिल्ली का पहला छक्का जो कि जाफर पड़े के बल्ले से आता हुआ। अगली मरतबा सज्जाद ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफ़ी अच्छी गेंद थी, बॉल नीची रही। सज्जाद ने दौड़ना शुरू किया, काफ़ी अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट खेला है जाफर पड़े, दौरा एक ही सिंगल मिलेगा। वो रूबरू कराना चाहता हूं, ये जो खिलाड़ी हैं ये काबिले तारीफ, एक ओवर में सिर्फ 5 रन दिए हैं, अगली दूसरा ओवर कर रहे हैं, अगर अपनी दूसरे ओवर की दूसरी बॉल करेंगे। ये भी ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रही गए, जतेंद्र सिंह अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी बॉल, राइजिंग डिलीवरी, जाफर पड़े इसे बिल्कुल समझ नहीं पाए, सीधे कीपर के हाथों में। मोहम्मद जतेंद्र सिंह अपने ओवर की तीसरी गेंद करेंगे, जाफर पड़े सामना करेंगे, काफी अच्छी गेंद पर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बैट्समैन भी काफी बड़े हैं, जाफर पड़े हैं। अगली मरतबा आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। अगली मरतबा जतेंद्र सिंह दौड़ना शुरू किया, स्लोअर गेंद डाली, ताहिर जरगर समझ नहीं पाए, गेंद सीधे रिजवान के हाथों में। देखिए कैच पकड़ना होगा, कैच छोड़ना नहीं होगा, कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ोगे। अगली मरतबा काफी अच्छी बॉल की, ताहिर जरगर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। अब इस वक्त लोग तमाशाई यहां पे पहुंच चुके हैं। सजाद अहमद अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे, पहली गेंद पे जाफर पड़े का पहला छक्का, जाफर पड़े दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट ऊपर पहुंचे, काफी अच्छी गेंद, इस बार जज्बा दिखाया, जोश दिखाया सज्जाद अहमद ने भी, और उसी करेंगे दौड़ना शुरू किया। ओ राइजिंग डिलीवरी आ रही है, दी हुई है सज्जाद अहमद द्वारा, अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, अमेरिका आजकल दौर है। अगली मरतबा सज्जाद अहमद दौड़ना शुरू किया, अभी कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन सज्जाद नहीं अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद सज्जाद अहमद दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद थी, रिजवान से छूट गई और सीधे जतिंदर सिंह फील्ड करेंगे थर्ड मैन दिशा पे, विकेट से सामने बैठा किसको, थोड़ा सा थर्ड मैन वाला निराशा होता। अगली मरतबा सज्जाद अहमद दौड़ना शुरू किया, शॉर्ट गेंद थी, जाफर पड़े मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए। यही कला है इस खिलाड़ी में, सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत विकेटें ली थी, आज पहली गेंद बड़ी टीमों के खिलाफ और आपस में हो रहा ग्रीन पार्क स्टेडियम में। अगली मरतबा ताहिर बैग ने काफी अच्छी शॉट मारी ऑफ साइड की दिशा पे, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, दो ही रन मिलेगा। अथर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद, ग्रीन बोर्ड ले लिया है, यही मैं कह रहा था, यह है खिलाड़ी, ये है वो ऑलराउंडर जिन्होंने कल 2-3 विकेट लिए और आज भी ओवर की तीसरी गेंद पे सफलता हासिल की है, क्लीन बोल्ड ले लिया है। यह है माजिद राठर, भलेसा के उभरते हुए सितारे। माजिद राठर दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी गेंद लेकिन थोड़ा लेग स्टंप से बाहर, बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं। अगली बार बार दौड़ना शुरू किया, अपार के काफी अच्छी गेंद, गेंद थोड़ा नीची रही, बैट्समैन समझ नहीं पाए और सीधे राजिद राठर
जितेंद्र सिंह काफी अच्छी बॉलिंग आज इनके द्वारा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद थी और उतनी खूबसूरत डिफेंस की। साथ में स्कोर भी बताते चलूं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा, इसके लिए मैं माजरत। अगली ये जो अगले बॉलर हैं शायद यासर मीर हैं, लेकिन इस बारी जाफर पड़े ने काफी अच्छा स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑन की दिशा में अभी शायद से दो रन दिए हैं। अगली मरतबा यासर मीर दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी गेंद थी और इस की दिशा में खेला है जाफर पड़े ने और बहुत खूबसूरत अंदाज में जाफर पड़े पड़े से मिस नहीं होगी। अगली मरतबा यासर मीर दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी गेंद थी, सामना करेंगे जाफर पड़े, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन मोहम्मद यासर मीर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद थी, क्या अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से छह ओवर के खात्मे के बाद ये सातवां ओवर जारी है। ये बॉल की है माजिद राठर ने, काफी कौन जीतेगा क्योंकि टक्कर का मैच है, अब इनके मुकाबले का कोई यहाँ पे लेफ्ट बल्ले, काफी अच्छी गेंद थी, थ्रो मारने का प्रयास था अशरफ दौरा लेकिन मिस हिट और तीसरा छक्का मारने का प्रयास सीधे बाउंड्री लाइन पे पकड़ लिया है नितिन शर्मा ने कैच और जाफर पड़े को भेज दिया है डगआउट में। यही है वो खिलाड़ी जिनकी मैं बात कर रहा था, उभरते हुए सितारे, कदकाठी में लंबे हैं लेकिन उम्र में काफी छोटे और सामने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद, नसीब अहमद पढ़ नहीं पाए, मजरा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को काफी अच्छी गेंद, बॉल नीचे रही, मोहम्मद नसीब पढ़ नहीं पाए। अभी मोहम्मद यासर मीर एक ओवर में 8 रन दे चुके हैं, सामना करेंगे साकिब खांडे, काफी अच्छी बॉल की लेकिन ऑफ साइड पे लेट कट किया है और सीधे सज्जाद ने इसको फील्ड किया है थर्ड मैन दिशा पर। यासर मीर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, कभी शॉर्ट पिच गए थी, मोहम्मद नसीब पढ़ नहीं पाए, गेंद थी। अगली मर्तबा वाइड बॉल सामना करेंगे साकिब खांडे, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को काफी ऊंची रही गए, टप्पा खाने के बाद सीधे मोहम्मद रिजवान के हाथ, टीम के कैप्टन भी है गार्डन भले सके। अगली मर्तबा शॉर्ट बॉल की है, लेग साइड की दिशा में खेला है साकिब खांडे जो कि 10 बॉलों पे सामना करेंगे यासर मीर का, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद, बॉल नीचे रही, बैट लगाने की जहमत भी नहीं करते हैं, क्या कर पाते हैं इस बॉल पे लंबा मारने का प्रयास किया था मोहम्मद नसीब ने, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन फिर से बीट हो गए और बॉल सीधे कीपर के दस्तानों में। मोहम्मद रिजवान काफी खुश है, मोहम्मद यासर मीर, अजीत ये भी काफी उम्र दराज खिलाड़ी है, अजीत जी भी काफी उम्र दराज खिलाड़ी है, काफी सीनियर उम्र दराज है और अभी साकिब खाने को क्लीन बोल्ड कर चुके हैं अजीत, ये मैं कह रहा था एक्सपीरियंस मैटर करता है और जिस तरीके की अजीत साहब ने अभी विकेट ली है और मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हो गया, मोहम्मद यासर मीर, अजीत सिंह, इनकी वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट की हुई है, पहली गेंद पे हिट मार रही है, काफी अच्छा हार्ड हिटर है, पहली गेंद पे हिट मारने का प्रयास किया था शाहबाज गनाई ने, उस वीडियो को भी देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगली मर्तबा अजीत जी काफी अच्छी बॉल करा रहे, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, अजीत जी दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी शॉट, स्ट्रेट ड्राइव किया है 4 रन के लिए, यही मैं बात कर रहा था, ये शाहबाज गनाई जो है इस खिलाड़ी में वो महारत है, ये ग्राउंड की चारों साइड खेल सकते हैं, इस खिलाड़ी में वो टैलेंट है,
ये भी 16-17 साल की है और काफी अच्छे बल्लेबाज है। अगली मरतबा अजीत लेग साइड पे बॉल थी, शाहबाज घनाई बीट हुए। इस रन से ज्यादा स्कोर टीम का लायंस क्लब बलेसा का 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगली मरतबा नसीब सामना करेंगे अजीत का, काफी अच्छी गेंद और उतनी उम्दा शॉट, माजिद राठर सीधे माजिद राठर के हाथों में। माजिद राठर जिनकी मैं अभी अभी बात कर रहा था, बलेसा के नामी ग्रामी ऑलराउंडर हैं, एक पहाड़ के मानित फील्ड कर रहे हैं। नसीब को थोड़ा सा गैप शैप देखना होगा क्योंकि सीधे माजिद राठर के हाथ में दोगे तो जाहिर सी बात है एक पहाड़ के मानित फील्डिंग करते हैं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, ये बॉल को जाने नहीं देंगे। यासर मीर दोनों शुरू के अंपायर को क्रैश किया, काफी अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी शॉट, लेट कट किया है नसीब ने। और टीम में सबसे यंग खिलाड़ी यही है और ये बॉल को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर नीचे रही थी गेंद, शाहबाज गनाई ने उतने अच्छे तरीके से निकाला है और जतिंदर सिंह ने उतनी अच्छी उतनी उम्दा फील्ड करके बॉल को रोक लिया है बाउंड्री लाइन से। अगली मरतबा यासर मीर दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद नसीब आज कुछ उस प्रकार की हम लगाते हैं। अगली मरतबा वाइड गेंद की यासर नसीब दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया, काफी नीचे रही यासर मीर की गेंद, बॉल डालेंगे तो नीचे रहेगी। अगली मरतबा मोहम्मद यासर मीर दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी शॉट अभी लेग साइड की जानिब खेला है नसीब ने, एक रन। अगली मरतबा यासर मीर सामना करेंगे शाहबाज गनाई, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे यासर मीर, डॉट पे डॉट करा रहे। के खिलाफ खेला था अजीत जी, ओ ये बाजी अजीत जीत गया है, क्लीन बोल्ड कर चुके हैं शाहबाज गनाई को। देखिए आगे बॉल दी और उतने ही खूबसूरत अंदाज से खेला है राहत आकिब ने, पहली गेंद पे पहली एक रन चुरा लिया है और ये प्रयास किया है छक्के के लिए, यही मैं कह रहा था इस खिलाड़ी में क्षमता है छक्का मारने की। देखिए कदमों का इस्तेमाल करेगा मोहम्मद नसीब, फिर बाल की नसीब ये नहीं रहेगी कि वो अंदर रहेगी, जाहिर सी बात है बाउंड्री लाइन से बाहर तो जाएगी और काफी दूर जाएगी। मोहम्मद नसीब अजीत दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद राइजिंग ले ली थी, मोहम्मद नसीब को पता ही नहीं चला बॉल कहां चली गई। ओ यस नो की कॉल थी, राहत आकिब और मोहम्मद नसीब को थोड़ा सा आपस में कॉम्बिनेशन बनाना होगा, रन आउट होने का काफी खतरा रहता है। और नीचे रही गेंद अजीत की अभी और राहत आकिब ने ऑफ साइड पे खेला है, उमर खत्री ने बैकअप किया है जतिंदर को और जीती ने बाल सीधे अजीत के हाथ में दे दी है। काफी अच्छी गेंद की राइजिंग डिलीवरी, कैच आउट होने का खतरा और मोहम्मद रिजवान जिनकी मैं बात कर रहा था ये है वो खिलाड़ी, ये कैच छोड़ने वाले नहीं थे, मोहम्मद नसीब ने छक्के मारे थे लेकिन अभी इस बॉल पे गलत शॉट मारी और आउट हो गए। दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी गेंद नीचे रहे राहत आकिब समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए बॉल को, बॉल पीछे गई है। ओ अभी स्कूप शॉट लगाने का पूरा प्रयास किया था राठर, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद गुड लेंथ पे और उतनी अच्छी शॉट राहत आकिब द्वारा और रन आउट हो चुके हैं राहत आकिब। दो रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, फील्डर वहीं पे खड़ा था लेकिन दूसरी रन दौड़ने का क्योंकि स्कोर कम है, तन्हाई में अच्छी बल्लेबाजी करते होंगे लेकिन अभी भी काफी अच्छे बैट्समैन है, अभी
जिस तरीके की शॉट मारी है मोहम्मद आसिफ टैलेंटेड है, उतने ही टैलेंटेड अतर मीर। ओ अभी वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, अभी माजिद राठर ने दो गेंदे, वाइड जरगर ने 15 बालों पे 12 रन बनाए और साकिब खान ने 11 बालों पे 2 रन बना चुके हैं और मोहम्मद नसीब 12 बालों में 11 रन बना चुके हैं, शहबाज गनाई 7 बालों में 7 रन। अगली मरतबा माजिद राठर लेग साइड पे बॉल कर रहे हैं क्योंकि लेग साइड पे फील्डर फील्डिंग लेग साइड पे भी तगड़ी है, इसलिए लेग साइड पे अभी विकेट जो ली थी राहत ताकिब की तो लेग साइड पे ही ली अभी, और प्रयास किया है लेग साइड पे बॉल डाल। चिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली तक खेलने जाते हैं। अजीत को फिर से बुलाया गया है, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद और उतनी अच्छी शॉट, तारिक तन्हा के बैट से 6 रन। ओ शॉर्ट बॉल, अभी जो बॉल डाली थी अगर पिछली बॉल आगे ना दी होती तो छक्का शायद नहीं खा। जो महारत इस खिलाड़ी में, अभी अतर मीर सामना करेंगे अजीत का, दौड़ना शुरू किया, राइजिंग डिलीवरी शॉट ऑफ लेंथ, अजीत दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ओ पैर पे यॉर्कर मारने का प्रयास किया था लेकिन 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 कैच दे बैठे बैट्समैन कामरान मलिक। कामरान मलिक ऑन फायर, कामरान मलिक जिनकी मैं बात कर रहा था, ये भी एक उभरते हुए सितारे हैं। हम विकेटों के नुकसान पे है अजीत, अगली मरतबा ओ फुल टॉस बॉल थी लेकिन बैट्स, अगर मैं सजाद अहमद की बात करूं तो पिछले 2 ओवर में थोड़े से महंगे साबित। ओ अभी क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड किया है सजाद अहमद ने, ये देखिए यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है। तारिक वानी सामना करेंगे सजाद का, काफी शॉर्ट पिच बॉल मारी थी और अगली मरतबा सजाद अहमद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद की, ऑफ साइड से थोड़ी सी बाहर, लेट कट किया है, दौड़ना शुरू किया अंपायर को, फुल बॉल मारी थी लेक सजाद अहमद, अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, फुल बॉल मारी थी, कैच आउट होने का खतरा था लेकिन अजीत थोड़ा सा पीछे रहे, अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और यही मैं कह रहा था, अभी कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन बाउंड्री, सिल्वर बॉल मारी थी सजाद अहमद ने और उतनी उम्दा शॉट, अभी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए खेला है। सिंह को बॉलिंग के मोर्चे पे बुलाया गया है, वाइड बॉल, पहली बॉल वाइड, ओ अभी हेलमेट पे लगी, तारिक ढूंढ रहे हैं कहां पे बॉल गई है लेकिन आई थ्रो, मिस, थ्रो मारने का पूरा प्रयास किया, मिस हिट, रन्स पे रन्स बन रहे, मुफ्त के रन्स बन रहे, अभी मोहम्मद रिजवान बीच ग्राउंड में गिर के ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। ओ कदमों का फिर से इस्तेमाल किया जितेंद्र सिंह, अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, ऑफ साइड पे शॉट मारा है, वही वही शॉट सीधे माजिद राठर के, शॉट मारा है, अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, ओ ये देखिए देखिए ओवर की 2 बॉलें बाकी, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद, उतना ही अच्छा लेट कट किया है। अब जितेंद्र सिंह दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड कर चुके हैं तारिक तन्हा को, क्लीन बोल्ड कर चुके हैं तारिक तन्हा को और इस अंदाज से ना, 2 ही मीनिंग से, इस अंदाज से खत्म किया है लायंस क्लब भलेसा की लाइनअप को, बैटिंग लाइनअप को, 102 पे 9 विकेटें, गार्डन भलेसा के ओपनर बल्लेबाज नितिन शर्मा और उमर खत्री, एक लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है और काफी अच्छे बल्लेबाज हैं
राहत आकिब को लगाया गया है। पहली गेंद वाइड डाली है, दिशा से थोड़ा बाहर, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का और एक रन मुकम्मल किया है। अगली मरतबा राहत आकिब दौड़ना शुरू किया, सामना करेंगे उमर खत्री। ओ काफी अच्छी बॉल थी, ऊंची रही और ऑफ साइड की जानेब खेला है कि सामना करेंगे नितिन शर्मा। बोन्स राहत आकिब काफी अच्छे ऑलराउंडर, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया ऑलराउंडर, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, अभी ऊपर रही। ये भी काफी अच्छी टीम है लॉयंस क्लब भलेसा। अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, वाइड गेंद का इशारा, वाइड गेंद का इशारा, ताकि अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर सामना करेंगे नितिन शर्मा। काफी अच्छी गेंद, ऊपर रही गेंद। अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और गेट आउट होने का पूरा खतरा हो गया। नितिन शर्मा गेट आउट, नितिन शर्मा सीधे फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। देखिए वीक पॉइंट है नितिन शर्मा का, यही खेल के आए हैं कामरान मलिक। राहत आकिब का सामना करेंगे, ओ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, तारीफ के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं इन्हें, लेकिन फिर से मैं अगर बता दूं तो ये एक नेशनल, दो विकेटें चटकाई थी कल, आज देखते क्या अकबर हो, लेफ्ट हैंड बॉलर है वाइड बॉल। मोहम्मद नसीब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को फिर से राइजिंग डिलीवरी बॉल, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग राहत आकिब द्वारा। देखिए लाजवाब खिलाड़ी है ये खिलाड़ी लाजवाब है कर रहे। देखिए मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी को भी अंदर लाने वाले फील्डर आजकल मौजूद हैं, उनमें से ही एक राहत आकिब भी है। नसीब जिस तरीके की बॉल, अगली मरतबा मोहम्मद नसीब सामना करेंगे कामरान मलिक। ओ राइजिंग डिलीवरी, कामरान मलिक भी लेफ्ट कर रहे हैं कि उनका वाइड वुड हो जाता है, लेकिन काफी अच्छी बॉल कराते हैं मोहम्मद नसीब, वाइड पे वाइड मार रहे हैं मोहम्मद नसीब, वाइड पे वाइड डाल रहे हैं और ये काफी बाहर थी, ये काफी बाहर गेंद थी मोहम्मद नसीब की, ये करा पर मोहम्मद नसीब दौड़ना शुरू किया, आए आउट होने का खतरा था। उमर खत्री डिफेंस, मोहम्मद नसीब, ओ नीचे रही गेंद, वाइड वाइड पे वाइड अगर मारो मोहम्मद नसीब, वाइड पे वाइड करा रहे हैं अगली मरतबा, काफी अच्छी गेंद, देखिए बैट से तो अभी तक रन नहीं। मोहम्मद नसीब सामना करेंगे उमर, नीची रही गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, अभी अच्छी फील्डिंग इन्होंने ही कैच लपक लिया था, बहुत बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। राहत आकिब को फिर से बुलाया गया है, अगली मरतबा कामरान मलिक सामना करेंगे राहत आकिब का, आप स्टंप से बाहर, राहत आकिब की बॉल, खिलाड़ी है मोहम्मद नसीब ने, उमर खत्री सामना करेंगे राहत आकिब का, दौड़ना शुरू किया अंपायर, अरे डिफेंस अंदाज में खेल रहे हैं, फंसे हुए उस पे चार रन बना चुके हैं और कामरान मलिक छह बॉलों पे एक रन, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फेंकी थी, अपील की, लेकिन खैर स्कोर उतना बड़ा नहीं है और मुझे लगता है सही कुछ गार्डन भलेसा सोच रही है। जंगाउट ना छो जंगाउट सुन वहीं से नहीं हो सकता मानना कामरान मलिक अतरमीर
अख्तर मीर काफ़ी अच्छे ही बॉलिंग कर रहे हैं। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफ़ी अच्छी गेंद और उतनी अच्छा लेट कट, कोई मौका नहीं फील्डर के, पहली बाउंड्री गार्डन बलेसा की कामरान मलिक के बल्ले। अतर मीर का ये बॉल और बेहतरीन बॉल था और उतनी अच्छी शॉट कामरान मलिक द्वारा लेग साइड की जानब खेला है, एक विकेट के नुकसान पे। अतर मीर अगली मरतबा ओ फील्ड ओवर की अंतिम गेंद, अतर मीर ओ राइजिंग डिलीवरी और कामरान मलिक लेफ्ट करते हुए, काफी अच्छी बॉल डाली थी अतर मीर ने, अभी को बुलाया गया है। लाइंस करब दौड़ना शुरू किया, शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी और कैच आउट होने का खतरा, जाफर पड़े ने कैच लिया है, उमर खत्री कैच जो कि 11 बालों पे 6 रन बना के आउट हो गए, नितिन शर्मा 3 बालों पे 0 रन बना के आउट हुए, अभी कामरान मलिक 10 गेंदों पे 6 रन बना चुके हैं और अभी मोहम्मद तौफीक आए हुए हैं बैट्समैन, आउट होने का पूरा खतरा, ये भी कैच था लेकिन फील्डर थोड़ा दूर थे, 4 रन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन इस चौके के साथ स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली मरतबा नीची रही बॉल लेकिन अब चूंकि पिच में नहीं रहे तो अभी हम मोहम्मद तौफीक और कामरान मलिक की ही बात करेंगे, वाइड थोड़ा सा दिशा से भटक गए और वाइड बॉल का। इनिंग का 5वां ओवर जारी है जो कि अतरमीर करा रहे हैं, सॉरी मुशर्रफ पड़े करा रहे हैं, अभी और फिर से कैच आउट होने का खतरा था लेकिन फील्डर थोड़ा दूर रहे, पीके की बॉल करा रहे हैं अभी अपने ओवर की 5वीं गेंद लेके, बॉल नीचे रही लेकिन बॉल अगली मर्तबा मुशर्रफ पड़े, उतना उम्दा पुल कामरान द्वारा, 6 रन। अतर मीर को बुलाया गया है, 1 रन के लिए खेला है अभी, कामरान मलिक का लाइंस का, देखिए ये विकेट अगर ली होती तो मैच बन सकता था, अभी मैच बन सकता है कामरान मलिक का, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है आतर मीर ने और खूबसूरत, ये खिलाड़ी इस खिलाड़ी में कामरान मलिक की उम्दा शॉट लेग साइड की जानिब खेला है कामरान मलिक ने, करता है नसीब ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, सिल्वर बॉल डिफेंस अंदाज में कामरान मलिक स्ट्राइक पे, काफी अच्छी बॉल टैलेंट, अगली मरतबा काफी अच्छी बॉल की, कामरान मलिक बीट हो गए, रन आउट होने का काफी खतरा था लेकिन वही मैं कह रहा हूं चल के आ गए आए थे लेकिन कामरान मलिक नहीं दौड़े। अगली मरतबा मोहम्मद नसीब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी शॉट लेग साइड जानिब खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद, एक ही रन मिलेगा, 47 गार्डन भलेसा का स्कोर। मोहम्मद नसीब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, तौफीक मीर का काफी उम्दा शॉट और 4 रन के लिए खेला है अभी तौफीक मीर ने, देखिए अगर ढीली बॉल डालनी है तो पुलिस बॉल। अगली मरतबा मोहम्मद नसीब दौड़ना शुरू किया, काफी बड़ी खिलाड़ी सेट हो चुके हैं और जिस तरीके से मैंने कहा था कि पहले बॉल को बैट पे लाते हैं उसके बाद अच्छा खेलते हैं, अभी देखो
ऑफ साइड कवर बैक फुट पंच किया और सीधे 6 रन के लिए खेला है। बारी कदमों का इस्तेमाल करके इनसाइड आउट शॉट जो इनकी फेवरेट शॉट है, पुल और इनसाइड आउट काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं और ये यही क्षमता है इस खिलाड़ी में। ये देखिए आप, अभी लेग साइड की जानब खेला है, फील्डर वहाँ पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। छह रन मलिक तौफीक के, नई शॉट मिलेगी। अगली मरतबा मुशरफ पड़े, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, स्कूप शॉट मार, 4 बॉल है। मुशरफ पड़े अपने ओवर की 5वीं गेंद और काफी अच्छी शॉट अभी मलिक तौफीक द्वारा। एक अगली मरतबा मुशरफ पड़े दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, शॉट ऑफ लेफ्ट गेंद और उतना अच्छा, उतना खूबसूरत, उतनी खूबसूरत शॉट, 2 रन के लिए। क्योंकि मैंने मुबशिर तोड़ना शुरू किया, देखिए फील्डिंग में अगर मैं लाइंस कलर की, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल बॉल मारी और उतनी अच्छी शॉट कामरान के बैट से, और वो मुबशिर करा रहे हैं और अभी थोड़ा दिख रहे हैं। अभी अगले मरतबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी शॉट अभी मलिक तौफीक ने। अगली मरतबा मुबशिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, आगे फिर से और पिच बॉल, और ये मोहम्मद नसीब ने वहां पे फील्ड बेहतरीन फील्डिंग की है। मुबशिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद की ऑफ साइड से, उस बॉल को मलिक तौफीक तारामंडल में पहुंचाने के समक्षक हैं। और इस वक्त मुबशिर ने काफी अच्छी बॉल, स्लो और बॉल डाली और कामरान मलिक को क्लीन बोल्ड कर दिया। राहत आकिब को बुलाया गया है बॉलिंग मोर्चे पे, राहत आकिब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद की मलिक तौफीक ने, ऑफ साइड की जानिब खेला है। इन्होंने काफी अच्छी की है लेकिन आप बैटिंग में देखते हैं क्या कर पाते हैं। राहत आकिब दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी बॉल थी लेकिन इतनी अच्छी उम्दा शॉट माजिद राथर के दौर। राहत आकिब दौड़ना शुरू किया, सामना करेंगे मलिक तौफीक, ओ मिस कर गए और ये कीपर से छूटते हुए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। अगली मरतबा राहत आकिब सामना करेंगे मलिक तौफीक, काफी अगली मरतबा राहत आकिब दौड़ना शुरू किया, ओ ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, हिट विकेट हो गए मलिक तौफीक। अभी अब आए हैं जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था, काफी अच्छी बॉल राहत आकिब की। अगली मरतबा राहत आकिब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद थी, अपील तारिक मानी ने माजिद राठर को क्लीन बोल्ड किया है पहली गेंद में, क्लीन बोल्ड कर दिया है पहली गेंद पे माजिद राठर को। ये खिलाड़ी कहां थे अभी तक, इनको कहां रखा था छुपा के, मतलब तो ये विकास में सजाद अहमद उर्फ किचलो, बाद में इसने मैच देखना है ना फिर। सजाद अहमद काफी अच्छे ऑलराउंडर है, लेग साइड की जाने जितराथर जैसे बल्लेबाज को आउट किया। अब तारिक वानी दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी शॉट, कैच आउट होने का खतरा था लेकिन खिलाड़ी गिर गए काल की वजह से थोड़ा सा। अगली मरतबा तारिक वानी
तारिक वानी दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छी गेंद और उतनी उम्दा शॉट, 6 रन के लिए खेला है, लपेट के मारा है। तैयार अगली मर्तबा तारिक वानी और फिर से छक्का, ये रिजवान, ये रिजवान 25 बालों में 6 रन चाहिए थी, 3 बालों में अच्छी 3 रन। इसी से गार्डन, इस छक्के की वजह से गार्डन वाले से मैच जीत चुकी है। और अभी ये है, अभी